हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। गाइस देखिए, आज मैं आपको एक आई मेकअप बताने वाली हूँ। ये बहुत सिंपल वे आई मेकअप है और ये प्रैक्टिस डमी है सिलिकॉन की। तो अगर आपको आई मेकअप की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बेस्ट भी है और आसानी से आप इस पर आई मेकअप सीख सकते हैं। तो मैं आपको इस पर सिखा दी एक बहुत सिंपल वे आई मेकअप सिखाती हूँ आज। तो देखिए, जैसे हम अपने चेहरे का फेस बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी क्या करना है, फेस बनाना है। तो आइवरी शेड लिया था मैंने फेस बनाने के लिए, उसके ऊपर किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको आईब्रो फिल करनी है। आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पर मैंने मार्स का शेडो पैलेट लिया है, जिससे ब्लैक कलर से मैंने किया, उसके ऊपर मैंने लाइनर से इसको डार्क किया है। लाइनर से डार्क करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है, सॉरी पिंक कलर लिया है। पिंक कलर लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंड आपको ज़रूर करना है। ये मैंने नायका का ब्रश लिया है, ये ब्लेंडिंग ब्रश काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और काफ़ी अच्छे से इससे ब्लेंडिंग हो जाती है। तो देखिएगा किस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, मैंने आपको बताया होगा कि आपको अगर अपना आई मेकअप करना है तो उसमें क्या है, आपको एक ऐसी फाइन लाइन नहीं बना के छोड़ देनी है। आई मेकअप आप जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे उतना उभर के अच्छा आएगा, आपका बहुत बेस्ट आएगा अगर आप ब्लेंडिंग करते हैं तो। ब्लेंडिंग करने के बाद आई मेकअप का लुक जो है एक उभर के आ जाता है, बहुत फाइन लुक देता है वो। तो अभी यहाँ पर मैंने किया है रेड कलर, पिंक एंड रेड कलर। पहले मैंने पिंक कलर से ब्लेंडिंग की है, उसके ऊपर मैंने फिर थोड़ा रेड कलर लिया है और रेड कलर लेने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से ब्लेंडिंग किया है। तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको देखने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत ईजी भी आप ये आई मेकअप कर सकते हैं। अगर आपको आई मेकअप प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप ये डमी ले सकते हैं या किसी की भी आप किसी के भी फेस पर आई मेकअप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया वाटर लाइन के नीचे भी मैंने पिंक कलर लिया है। पिंक कलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंडिंग किया है। अब ये यहाँ पर मैंने आइवरी शेड लिया है। आइवरी शेड लेने के बाद क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पर एक कट केस बनाया है, फ्रंट कट केस बनाया है मैंने। बहुत फाइन लुक से आपको ये आई मेकअप करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिएगा अच्छी तरीके से कट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ये दोबारा से ही वो ही रेड कलर लिया है जो मैंने पहले ब्लेंडिंग में लिया था। तो यहाँ पे मैंने जो कट केस बनाया है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे इसी रेड कलर को। और रेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गोल्डन किया है, रेड और गोल्डन आपको मिक्स करके करना है तो आपका एक अलग सा ही लुक आ जाएगा, रेड और गोल्डन। तो ये देखिएगा बहुत फाइन लुक आएगा आपका, बहुत प्यारी। आप सिंपल आई मेकअप बहुत अच्छे तरीके से इसको सिंपल लाइट मेकअप में भी ये आई मेकअप कर सकते हैं। और इसमें हमने ज़्यादा कोई ज़्यादा कलर नहीं लिए हैं या ज़्यादा ये कि बहुत सारे कलर लेने के बाद उसे मिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ हमने दो तीन कलर लिए हैं जिससे हमने सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से आई मेकअप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पीछे ब्लैक कलर लिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, गोल्डन रेड और ब्लैक ये तीनों का मैंने मिक्सअप करके एक अच्छा सा लुक देने का सोचा था कि मैं अच्छा सा आपको एक आई मेकअप सिखाऊं। तो ये देखिए मैंने बहुत सिंपल में ये आई मेकअप किया है। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई भी आई मेकअप करना है तो आप क्या करेंगे, ब्लेंडिंग ब्रश आपको अच्छी कंपनी का होना चाहिए जिससे आप अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर ये मैंने बेकिंग का वो लिया है हाईलाइटर। तो हाईलाइटर बहुत बहुत प्यारा है, ये हाईलाइटर काफ़ी अच्छा लुक है इसका। तो बेकिंग का हाईलाइटर लेने के बाद मैंने फ्रंट लुक में इसको अच्छी तरीके से लगाया है। और जो हाईलाइट पॉइंट होता है आईब्रोज़ के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर हमने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने के बाद फिर अपना जो आप ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे ना, उसको एक बार फिर दोबारा से इसको अच्छे से यहाँ पर इसके ऊपर फिरा देंगे। अब मैंने यहाँ पर लाइनर लिया है। लाइनर आप चाहे जेल ले सकते हैं, चाहे लिक्विड ले सकते हैं, कोई भी लाइनर ले सकते हैं, चाहे स्केच ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो लाइनर आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो लाइनर का प्रयोग किया है। एक मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइनर लिया है, जिसको मैंने ब्लैक लाइनर एज अ काजल भी यूज़ किया है और लाइनर भी यूज़ किया है। मैंने काजल वाटर लाइन पे इसी से काजल लगा दिया था। और उसके बाद मैंने ये बहुत न्यूट सा शेड लिया है, ये स्काई ब्लू सा कुछ कलर था, काफ़ी अच्छा है जिससे रेडियम लाइट रेडियम होता है। और इसके ब्लैक कलर के ऊपर मैंने इसको डबल लाइनर लगाया है, एक मैंने ब्लू का लगाया है और एक मैंने ब्लैक का लगाया है।
ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक आया था, बहुत प्यारी आई मेकअप लग रहा था ये। और यहाँ पर अब हमने कोई भी लेंगे लेसिस तो हम यहाँ पर लेसिस लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर लेसिस लगा दिया है, ये देखिए हमारा आई मेकअप का फाइनल लुक है। अब मैं दूसरी डमी पे आपको करके दिखाऊंगी इसी तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारे दोनों आई मेकअप रेडी हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको ये ट्राई करना है तो अपनी आँख पर अभी ये आई मेकअप कर सकते हैं। लाइट मेकअप में भी आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो आप भी सिंपल वे में आई मेकअप है ये, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि हमने ज़्यादा कलर लिए हैं या ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पर थोपा थापी की है, बहुत ही लाइट सा न्यूट सा आई मेकअप किया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये आई मेकअप कैसा लगा। ओके बाय।